हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आगे वाली जो किनपिन होती हैं उसका गुल्ला ख़राब हो जाता है, यानी कि जिसमें बैरिंग लगते हैं, स्टेप एक्सल भी बोलते हैं और उसे गुल्ला भी बोलते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो कैसे निकालते हैं। बहुत भाइयों के यानी कि कॉमेंट आ रहे थे कि ये गुल्ले को कैसे निकालते हैं, अगर प्रेस ना हो, हमारे पास प्रेस का कोई जुगाड़ नहीं है, तो इस गुल्ले के लिए हम कैसे चेंज करें, बहुत परेशानी होती है हमें। तो हम वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे इस गुल्ले के लिए यानी कि स्टेप एक्सल के लिए चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो में दिखाते हैं, बने रहें हमारे साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये किनपिन एक साइड की खोल रखी है, ऑलरेडी पहले से इसमें बैरिंग टूटा हुआ था, तो ये जो है गुल्ला ख़राब हो गया है। आप ये देख रहे हैं, इसकी गुल्ला जब भी ख़राब होता है, जब इसकी यहाँ से ये थ्रेड यानी कि चूड़ी ख़राब हो जाती हैं या इसकी सीट ख़राब हो जाती है, जब ये स्टेप एक्सल ख़राब होता है, उससे पहले ये स्टेप एक्सल ख़राब नहीं होता है। तो ये बैरिंग टूटा हुआ था, ऑपरेटर भाई बहुत ही समझदारी से इस मशीन के लिए आराम आराम से लेकर आए हैं, काफ़ी यानी कि 15 किलोमीटर से मशीन चल के आई है और टायर भी इसमें पड़ा हुआ है। तो हम बताएंगे आपके लिए कि गुल्ले के लिए कैसे चेंज करते हैं। तो साइड पे बहुत लोगों को परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि इस गुल्ले के लिए हम कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए किनपिन के लिए हमें खोलना पड़ता है इस गुल्ले को चेंज करने के लिए, क्यों पीछे की साइड से ये यहाँ से ही ठुकता है, पीछे को निकलता है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे क्या है, कट बना हुआ है, सीट बनी हुई है इसकी, जो गुल्ला है ये अंदर से इसकी सीट बनी हुई है, तो ये इस साइड को बाहर की साइड को नहीं निकलेगा, ये निकलेगा जब भी तो पीछे की ही साइड निकलेगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे, उससे पहले निकालने के लिए इसे हमें खोलना पड़ता है पूरा, यहाँ से पूरा किनपिन खोलनी पड़ती है, टायर रोड की पिन खोलनी पड़ती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तरीके से उल्टा इसे डाल लेते हैं। तो हमें कम से कम 5 किलो हैमर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए निकालने के लिए। तो 5 किलो हैमर जो होता है, इस पर हम चोट मारेंगे नीचे को, तो ये स्टेप एक्सल नीचे के लिए निकल जाएगा। तो और निकाल के भी दिखाएंगे आपको और ये लगा के भी दिखाएंगे कि इसे कैसे लगाते हैं। तो अभी हमारे पास 5 नहीं बल्कि 10 किलो का हैमर है ये किनपिन निकालने में, और बाकी ये स्टेप एक्सल का ये गुल्ला निकालने में हम लोगों को बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरीके से इस पर हम चोट मारते हैं, नीचे के लिए निकल जाता है। तो यहाँ ये निकल गया है, देखो यहाँ हम लोगों को प्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकल गया। अब नया इसे चेंज करेंगे हम, तो इसके लिए जब लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको, नया लेके आते हैं। बैठो, तो स्टेप एक्सल के लिए अब लगाते हैं। तो टायर के लिए हमने इस कंडीशन में लगा दिया है और ये डाल दिया स्टेप एक्सल इसमें। अब ऊपर से हैमर की चोट मार के 5 किलो के हैमर से भी बहुत ही आराम से ये स्टेप एक्सल लगा लेते हैं। जैसे ये छोटा वाला है हमारे पास में, तो आराम से भी ठुक जाता है। तो ये यहाँ लगा दिया, तो ये लगा दिया स्टेप एक्सल यहाँ नया वाला। तो बहुत ही आराम से आप इस तरीके से स्टेप एक्सल के लिए लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।